Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to theory video of perfect marriage revenge. So guys, I believe आप लोग को अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि इसके ड्रामे में क्या चल रहा है और पॉसिबल थियरीज क्या है कैरेक्टर्स से रिलेटेड इसके ड्रामे में. सो ये सब चीजें आई बिलीव आप लोग ने भी फिगर आउट की होगी थोड़ी थोड़ी. तो मेरे पास भी काफी थियरीज है रिलेटेड टू यीजू एंड सोदोगुक जो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं. बट गाइज, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ वीडियो अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पे. तो चलो शुरू करते हैं परफेक्ट मैरिज रिवेंज का थियरी वीडियो. तो मेरी फर्स्ट थियरी है सोदोगुक के ऊपर. मुझे ऐसा लगता है कि सोदोगुक की जो करंट लाइफ है वो उसकी सेकंड लाइफ है जस्ट लाइक यीजू. अगर हमें अच्छे से याद होगा एपिसोड 1 के एंड में यीजू का जब एक्सीडेंट हुआ था तो इसके एक्सीडेंट में एक और जन की कार बहुत बुरी तरह से क्रश हुई थी. इनफैक्ट यीजू की कार से ज्यादा बुरी दूसरे पर्सन की कार क्रैश हुई थी और ये चीज उन लोग ने बाकायदा दिखाए थे. अगर उन लोग को निग्लेक्ट करना होता, सिर्फ यीजू की कार का एक्सीडेंट दिखाना होता तो लोग दूसरी कार को नहीं दिखाते थे. बट उन लोग ने ड्रामे में उस सीन में बाकायदा दो कार को दिखाया बहुत बुरी तरह से. सो मेरी थियरी ये है कि वो दूसरी कार में सोदोगुक होगा बिकॉज उस सीन से पहले ही हमें पता चला था सोदोगुक बहुत हरी में उस इवेंट से निकलता है और थोड़ी देर के बाद यीजू निकलती है. तो गुड पॉसिबिलिटी है कि यीजू और सोदोगुक की कार आपस में क्रैश हुई, दोनों की डेथ हुई और दोनों को एक एक लाइफ मिल रही है. तो अगर ऐसा कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है हमें सून इसके ड्रामे में देखने मिलेगा. और सोदोगुक सेकंड लाइफ को किससे रिवेंज लेने के लिए और किस बात का रिवेंज लेने के लिए यूज कर रहा है ये मेरी दूसरी थियरी पे बेस्ड है, थियरी नंबर 2. आई बिलीव सोदोगुक को अगर दूसरी लाइफ मिली है तो वो उस लाइफ को अपने एल्डर ब्रदर से रिवेंज लेने के लिए यूज करेगा. जैसे कि हम देख ही रहे कि उसका एल्डर ब्रदर कितना विलनिश है. सो आई बिलीव उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी प्रॉब्लम फेस किया है और काफी ट्रॉमास झेला है जिसके वजह से वो उसकी इस लाइफ को, सेकेंड लाइफ को, उसके ब्रदर से रिवेंज लेने में यूज करेगा. और अगर हमें अच्छे से याद होगा एपिसोड नंबर 4 के एंडिंग में हमें पता चला था कि सोदोगुक को चाइल्डहुड ट्रॉमा है पानी से और शिप से. और तो और उसके पर एलिगेशंस है कि बचपन में उसने अपने बड़े ब्रदर को शिप पे से पुश किया था जिसके वजह से उसके पैर पे मार लगी और जिसके वजह से फिलहाल वो थोड़ा डिजेबल है, चल नहीं पाता है प्रॉपरली. तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन में उसका एल्डर ब्रदर ही कुछ विलनिश कर रहा था सोदोगुक के साथ. या तो उसको कुछ बोल रहा होगा या तो वो ही उसको धक्का मार रहा होगा जिसके डिफेंस में सोदोगुक ने उसे धक्का मारा जिसके वजह से उसका एल्डर ब्रदर शिप से गिर गया और उसका पैर इंजर्ड हो गया. बट बिकॉज उसके एल्डर ब्रदर को बचपन से ही काफी विलनिश बताया है, वो बचपन में सोदोगुक के पास सारे एलिगेशन लगा देगा कि वो उसे मारने का ट्राई कर रहा था इसीलिए उसने पुश किया उसको शिप से. तो इससे सोदोगुक को चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे हुआ? मेरे हिसाब से चाइल्डहुड ट्रॉमा सोदोगुक को इस चीज की वजह से हुआ क्योंकि उसका बड़ा ब्रदर उसको शिप पे हार्म करने का ट्राई कर रहा था, उसको पुश करने का ट्राई कर रहा था. तो उस चीज का ट्रॉमा सोदोगुक के अंदर आज तक बैठा हुआ है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थियरी. तो मेरी नेक्स्ट थियरी है कि Why did Sodoku accepted Yiju's marriage offer so easily? देखने वाली बात है, यीजू ने खाली उसको ऑफर किया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एंटर होते हैं और उसने बहुत इजीली ये चीज को एक्सेप्ट कर ली. क्यों? तो इसके पीछे मेरी थ्योरी ये है कि अगर ये उसकी फर्स्ट लाइफ है या फिर सेकंड लाइफ है, जो भी है, इट डजंट मैटर नाउ, ये वाली थ्योरी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोदोगुक को हमेशा से यीजू के ऊपर क्रश था और उसको हमेशा से ये फैक्ट पता था कि यीजू का जो फियांसे है सेओ, उसको कोई और पसंद है. बट सोदोगुक कभी भी यीजू से अपनी फीलिंग्स के लिए कन्फेस नहीं कर पाया क्योंकि पहली बात तो वो उसकी सिस्टर को डेट कर रहा था और दूसरा सोदोगुक अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि उसको कभी मौका ही नहीं मिला यीजू से कुछ बोलने का या फिर ये बताने का कि उसके फियांसे सेओ का किसी और के अफेयर. तो ये जो फीलिंग्स थी सोदोगुक के अंदर सालों से थी और मे बी उसकी डेथ हो गई तो सेकंड लाइफ में वो इस चीज को करेक्ट कर रहा है कि वो यीजू के साथ टाइम स्पेंड करे और यीजू के साथ रहे. और अगर ये उसके सेकंड लाइफ नहीं भी है, ये उसकी वही लाइफ है जो चल रही है, तो भी जस्ट बिकॉज उसको ऑलरेडी इंटरेस्ट था यीजू में इसीलिए उसने उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया था. सो बिफोर मूविंग ऑन टू माई लास्ट थियरी, मैं एक सीन को काफी अप्रिशिएट करना चाहूंगी. ये वाला सीन आई गेस ये एपिसोड नंबर 3 में था या फिर 4 में है. तो ये सीन मुझे काफी पसंद आया गाइस. इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सोदोगुक जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है यीजू के लिए वो बहुत ही ऑनेस्ट है और वो खाली जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टली नहीं बोल सकता उसको उसके फेस पे कि उसको सच में लाइक करता है, वो ऐसा घुमा के बोल रहा है. बट ये सीन में उसकी फीलिंग्स और उसका कन्फेशन एकदम ऑनेस्ट था. What do you think about this? मुझे कमेंट करके बताना. काफी हार्ट फ्लटरिंग सा सीन था. मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को संगुन को ज्यादा से ज्यादा सीन्स देना चाहिए बिकॉज ही इज एन अमेजिंग एक्टर. वो अपनी केमिस्ट्री किसी के साथ भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है और ये के ड्रामे में उन लोग इस फैक्ट को नहीं यूज कर रहे हैं. बिकॉज विजिबल सी चीज है, संगुन का स्क्रीन टाइम इस ड्रामे में बहुत कम है, मतलब बहुत कम, हजम ही नहीं हो रहा इतनी कम है. सो आई होप उन लोग इस चीज को अपकमिंग एपिसोड में ठीक करें. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थियरी. तो भी लास्ट थियरी है, आई बिलीव आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि यीजू का जो ग्रैंडफादर है
मतलब अडॉप्टिव ग्रैंडफादर, वो इतना अपोलोजेटिक क्यों है टुवर्ड्स ही, जो वो पूरा टाइम क्यों अपोलोजाइज करता रहता है, इवन जब वो फर्स्ट लाइफ में मरने वाली होती है, डेथ बेड पे होती है, तो भी वो फोन पे उससे अपोलोजाइज करता है। मतलब किस बात का अपोलोजाइज कर रहा है वो इतना। तो यहीं से मेरी लास्ट थियरी डेवलप हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ईजू इज द रियल डॉटर, मतलब बायोलॉजिकल डॉटर है वो जो फादर है, अडॉप्टिव फादर, उसकी रियल डॉटर है ईजू। मुझे ऐसा लगता है कि उसके फादर का एक टाइम पे किसी लेडी के साथ अफेयर होगा जो कि रिच नहीं होगी, एज सच उस लड़की का बैकग्राउंड नहीं होगा, और यही बात उसके ग्रैंडफादर को पसंद नहीं आएगी। तो जब वो लेडी उसके सन की गर्लफ्रेंड जो होगी उस टाइम पे, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, वो प्रेग्नेंट हो जाती है एक बच्चे के साथ, तो मे भी बच्चा पैदा होने के बाद या फिर जब वो प्रेग्नेंट ही रहती है, उसका ग्रैंडफादर कुछ ऐसा रोल प्ले करेगा जिससे पहले बात तो उसके फादर को पता नहीं चलेगा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है विद अ चाइल्ड। तो एक बार जब उसका ग्रैंडफादर उस लेडी को गायब करवा देगा, मे बी आफ्टर द बर्थ ऑफ किड, वो बच्चा पैदा होने के बाद, ईजू के बॉर्न होने के बाद गायब कराए या फिर उससे पहले गायब कराए, वो कुछ भी करके उस लेडी को गायब करवाएगा ताकि वो उसके सन की लाइफ से निकल पाए, ताकि उसका बेटा किसी अच्छी फैमिली की लड़की से शादी कर पाए। वो लेडी को गायब करवा के उसकी जो डॉटर है ईजू, उसको ऑर्फनेज में भेज देगा। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो जो उसके सन की वाइफ होती है, वो ईजू को अडॉप्ट करती है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजिकल डॉटर है ईजू उस फैमिली की, और ये फैक्ट ना ही उसके फादर को पता है ना ही उसके अडॉप्टिव मदर को पता है, बिकॉज ये सारी गड़बड़ी उसके ग्रैंडपा ने की थी। और यही रीजन है कि पूरी लाइफ वो अपोलोजेटिक था, बिकॉज पहली बात तो उसने उसकी मदर को उसकी लाइफ से निकाल दिया, उसको ऑर्फनेज में भेज दिया, और अभी तक उसके फादर को पता नहीं है कि अडॉप्टिव डॉटर नहीं है वो, उसके रियल डॉटर ही है, बायोलॉजिकल डॉटर ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर आज तक उससे अपोलोजाइज कर रहा है पूरी लाइफ। सो गाइज, दिस वॉज माई थियरीज, ये सब मेरी थियरीज थी। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपके पास कोई थियरी है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर मेरे दिमाग में और थियरी आती है तो मैं इसका पार्ट टू भी बना के डाल दूंगी अपकमिंग डेज में या फिर वीक्स में, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी तो। एंड प्लीज नोट बिफोर लिविंग, ये थियरी वीडियो सिर्फ फन पर्पज के लिए है, दीज आर जस्ट थॉट्स, तो प्लीज डू नॉट टेक इट टू योर हार्ट, एंड हो सकता है सारी की सारी थियरीज गलत भी निकल जाए। अगर आपके पास थियरी है तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल दैट टाइम अनयोंग।